Assalamualaikum, welcome to Tasty Food Recipes। आज मैं आपके साथ कद्दू की खीर की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल जो शादियों में हम लोग खाते हैं बावर्ची की जो रेसिपी होती है, वही आज आपके साथ मैं शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार खीर बनेगी, तो चलिए इस मज़ेदार सी खीर को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेंगे कद्दू। तो मैंने एक बड़ा साइज़ का कद्दू लिया था, तो उसमें से मैंने 1/4 कद्दू को इस तरह से ग्रेट कर लिया है। ये जो कद्दू है उसका ग्रीनिश वाला जो पार्ट होता है वही हमें ग्रेट करना है, ये वाइट वाला पार्ट ग्रेट नहीं करना है। और जो आधे से ज़्यादा जो कद्दू होगा उसको हम इस तरह के क्यूब्स में कट कर उबाल लेंगे। और यहाँ पर मैंने 1.5 लीटर दूध लिया है, इसको हम ये कच्चा दूध है इसलिए इसको हम अच्छे से उबाल लेंगे। और यहाँ पर देखिए मैंने 1/4 कप बादाम और 1/4 कप काजू को इस तरह से दरदरा पीस लेंगे। और ये हम ऐड करेंगे खीर को बनाते वक्त, तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। बिल्कुल पाउडर ना करें, थोड़े से ऐसे दरदरा ही हमें इसको पीसना है। और यहाँ पर देखिए ये जो कद्दू हमने उबालने के लिए रखा था ये अच्छे से उबल गया है। तो अब मैंने इसके ग्राइंडिंग जार में ट्रांसफ़र कर लिया। अब हम इसको पानी डालेंगे थोड़ा थोड़ा कर और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा लिक्विड पेस्ट हमें इसका तैयार कर लेना है बिल्कुल ऐसे। और यहाँ पर देखिए मैं ये यूज़ करूँगी 200 ग्राम्स का अमूल का मिठाई मेन। ये खीर में डालने से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है, इसीलिए हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे। और इसको परचेस करने का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, तो आप वहाँ से इसको परचेस कर सकते हो। तो ये पूरा का पूरा क्या हम इसमें खीर में बनाते वक्त ऐड कर देंगे। तो अब मैंने यहाँ पर एक भगोना लिया है, भगोने में हमने जो कद्दू को ग्रेट किया था वो ऐड कर देंगे। और हमें कद्दू को भून लेना है, और मैंने इसमें ना ही ऑयल ऐड किया था ना ही घी, कुछ भी नहीं ऐड करेंगे, बस ऐसे ही भून लेंगे जब तक कि इसका मॉइस्चर ख़त्म नहीं हो जाता जब तक। अब मैंने इसको कवर कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको पका लेंगे। तब ये देखिए 1 मिनट बाद ये बिल्कुल अच्छे से भुन चुका है और ये बिल्कुल ड्राई भी हो चुका है। तो ये जो कद्दू का पेस्ट हमने बनाया था ये सारा का सारा हम इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स करते हुए इसको पका लेंगे 2-3 मिनट तक। तो अब हम ये खीर को गाढ़ी करने के लिए कुछ चीज़ों को मिक्स करेंगे। तो मैंने 1/2 कप पानी लिया है, उसमें ऐड कर देंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर। कॉर्नफ्लावर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे जब तक कि इसमें लम्स ख़त्म नहीं हो जाते। उसके बाद हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड करेंगे और बीच बीच में ये जो कद्दू है उसको हम ऐसे मिक्स भी करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे। तो 1 टेबलस्पून हम इसमें कस्टर्ड पाउडर ऐड कर देंगे। ये मैंने नॉर्मल वाला लिया है, आप वेनिला फ्लेवर जो भी आपके पास अवेलेबल हो वो ले सकते हो। और कस्टर्ड डालने के बाद भी हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और उसके बाद जब ये हम ऐड करते हैं खीर बनाते वक्त, तो आपको इसको धीरे धीरे डालना है, एक साथ बिल्कुल भी ना डालें। तो सबसे पहले हम इसमें दूध ऐड कर देते हैं। दूध को भी हम थोड़ा थोड़ा कर ही डालेंगे, एक साथ डाल देने से ये जो कद्दू है ये फिर अच्छे से मिक्स नहीं होगा। तो अभी 1/2 लीटर दूध मैंने इसमें डालकर अच्छे से इसको मिला लिया और बाकी का 1 लीटर हम इसमें अच्छे से ये जब मिल जाएगा तब ऐड कर देंगे। और दूध आपका अगर फुल क्रीम वाला यानी कि गाढ़ा दूध होगा तो खीर और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी, तो कोशिश करें कि आप गाढ़ा दूध लें। तो अब ये हम अमूल का जो कैन है ये पूरा ऐड कर देंगे। तो मैंने अब इसको ओपन कर लिया है ऐसे, और ये मिल्क मेड डालते वक्त भी आप इसको धीरे धीरे डालिएगा और अच्छे से मिक्स भी करते रहिए। तो अब हम इसमें फूड कलर ऐड करेंगे, डार्क ग्रीन या फिर लाइट ग्रीन। अगर आपके पास लाइट ग्रीन है तो आप थोड़ा सा इसमें ज़्यादा डालिएगा, डार्क ग्रीन है तो थोड़ा सा कम डालिए। आप चाहें तो इसमें लिक्विड कलर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने 1/8 टीस्पून कलर को 1 टीस्पून पानी में मिलाकर ऐड किया है। मेरे पास पाउडर कलर था तो मैं इसको ऐसे ऐड किया। उसके बाद हम ये कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर भी ऐड कर देंगे और अच्छे से इसको मिक्स भी करते रहेंगे। और हम इसको पका लेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। ये देखिए ये खीर को पकते पकते तकरीबन 2-3 मिनट हो गए थे, इसलिए मैंने अब इसमें अमूल का मिठाई मेड ऐड कर दिया है। ये डालते डालते भी हम इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करते रहेंगे और इसको 2-3 मिनट तक हम ऐसे ही पकने देंगे। ये देखिए 2 मिनट हो चुके हैं, मैं इसमें चीनी ऐड कर दूंगी 1/2 कप। आप अपने हिसाब से चीनी डाल सकते हो, और क्योंकि मिठाई मेड जो है अमूल का वो ऑलरेडी मीठा ही होता है, तो आप वो हिसाब से इसमें चीनी ऐड कीजिएगा। तो अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
और अब हम इसमें काजू और बादाम को जो हमने दरदरा कूटा था या फिर ग्राइंड किया था वो ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वो भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे करें ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो ये देखिए, अब ये खीर में हम ऐड कर देंगे स्लाइस्ड बादाम और काजू, और इनकी क्वांटिटी आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैंने 1/4 कप बादाम, 1/4 कप काजू और इसमें थोड़े से पिस्ता भी थे तो वो भी मैंने काट कर इसमें डाल दिया है। और हम इसको पका लेंगे जब तक ये गाढ़ी नहीं हो जाती, और उसके बाद आप इसको फ्रिज में रख दीजिएगा और ठंडा ठंडा सर्व कीजिए। और ये हमारी खीर है बिल्कुल बनकर तैयार है, बहुत ही टेस्टी डिलीशियस खीर है और इसको बनाना बहुत ही आसान है, आपने देखा ये। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पे भी कर दे ताकि मैं जब भी कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो यही थी मेरी आज की रेसिपी, होप आपको पसंद आई होगी। तो मैं मिलती हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।